हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरी बेटी है। आप सोचेंगे वीडियो में मैं इसको क्यों लेकर बैठी हूँ, क्योंकि जब से मैं रेडी हुई हूँ कि मुझे वीडियो शूट करना, तब से ये मेरे पीछे 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 घूम रही है ना। और अब बच्ची है, मान भी नहीं सकती, घर में कोई और है भी नहीं है जिसके पास ये बैठे, तो मेरे पास ही बैठी हुई है। अगर आप लोगों को डिस्टर्ब करें तो प्लीज़ पहले से मैं माफ़ करिएगा, सॉरी बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, तो आप लोग मेरा थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि ये वीडियो मैं किस टॉपिक में लेकर आई हूँ। हाँ जी, तो मेरा जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और कौन सा मंथ चल रहा है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्लोज़ करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल अपना फर्स्ट ट्रिमेस्टर की जो जर्नी मेरी रही है प्रेगनेंसी की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कैसी रही है? अच्छी रही है, बुरी रही है? बहुत तो अच्छी भी नहीं रही है, बहुत बुरी भी नहीं रही है, ठीक ठाक ही रही है। बात की जाए मेरे पीरियड मिस होने की, तो फर्स्ट मंथ में जो मेरा पीरियड मिस हुआ तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले भी मेरा पीरियड थोड़ा सा आगे पीछे आता था, तो मेरा बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं गया था कि ऐसा है, मैंने कंसीव कर लिया होगा इसीलिए ऐसा है, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, लेकिन क्या हुआ कि मुझे नोज़िया फील होता था काफ़ी, वॉमिटिंग होती नहीं थी बट मुझे फील होता था कि होगी, मैं वॉशरूम तक जाती थी और बस आ जाती थी ट्राई करके, लेकिन होता नहीं था। तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था कुछ दिनों से, दो चार दिन मुझे लगा हो सकता मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, पेट नहीं ठीक होगा या कुछ भी, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जब वो लगभग हफ्ता भर हो गया, फिर मुझे थोड़ा सा डाउट लगने लगा कि ऐसा कुछ है क्या, तब मैंने प्रेगा न्यूज़ से उसको टेस्ट किया था, चेक किया था, तो वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आया था और हमें ये पता चला कि हाँ, मैंने कंसीव कर लिया है। फिर हम गए डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने वही जो कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होता है, कि उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह लिखा और अल्ट्रासाउंड लिखा, और वो भी शायद तुरंत नहीं लिखा था, एक बार जब गए थे तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह देके और बोल दिया था कि लगभग 15 दिन बाद आना, तो आपका अल्ट्रासाउंड होगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं 15 दिन बाद गई हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है, तो हाँ ब्लड टेस्ट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आई, तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत कम था, मेरा 7 पॉइंट कुछ करके मेरा ब्लड था, मतलब बहुत कम था, और मैं बहुत वीक थी। वीक मैं प्रेगनेंसी से पहले ही चल रही थी, और ऊपर से लगभग इधर एक महीना हो चुका था प्रेगनेंसी का उस वक्त, तो मुझे नोज़िया वगैरह फील होता था, तो मैं कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी, तो और वीक हो गई होंगी उस वजह से, तो ब्लड मेरा काफ़ी कम आया। तो डॉक्टर ने अच्छे से खाने पीने को कहा, आयरन कैल्शियम की मेडिसिन जो की, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल सही थी, उसमें बेबी का हार्ट बीट आ चुकी थी और बिल्कुल सब सही था मीन्स। और फर्स्ट ट्रिमेस्टर के अल्ट्रासाउंड में क्या ही बताते होंगे, यही बेबी की हार्ट बीट कैसी है, लंबाई क्या है, वेट कितना होना चाहिए, तो वो सब कुछ ठीक था। तो अब बात की जाए, जैसे कुछ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस तो मेरी बेटी के टाइम में, मुझे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं दिन में ठीक हो जाती थी और मॉर्निंग में जब मैं सो के उठती थी, तो मैं बिस्तर जब मुझे छोड़ना होता था, तब ऐसा लगता था मैं कितने दिनों से बीमार पड़ी हूँ। मुझे अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को ये बताने में शर्म लगती थी, मैं सोचती थी सुबह के टाइमिंग में क्या होता है, काम वाम भी बहुत ज़्यादा होता है घर पे, मॉर्निंग में सब काम होता है, उस टाइम अगर आप डेली लेके बैठ जाओ कि मैं बीमार हूँ, तो बहुत ही मतलब अजीब लगता है, कि मतलब हमारे मन में आता है कि सामने वाले को ये ना लगे कि जब काम का टाइम होता है तो ये बीमार हो जाती है और दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसा ही होता था। मॉर्निंग में मैं बीमार रहती थी और दिन में मैं ठीक थी। इस बार मेरा मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं लगी है। हाँ, थोड़ा सा वीकनेस मुझे मतलब लगती थी, लेकिन दिन में कभी भी लगती थी, ये नहीं कि मॉर्निंग में ही है, मुझे दोपहर के समय या शाम के समय। उसका रीज़न ये है कि आपकी जब बॉडी वीक है और इतना ब्लड भी कम आया, तो वो तो ऑब्वियस आपको वीकनेस तो लगेगी, वैसा ही था। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं रहा है, जैसे कि बहुत से लेडीज़ों को फर्स्ट ट्रिमेस्टर में रहता है। हाँ जी, बात की जाए स्मेल वगैरह की, जैसे कि कुछ लोगों को फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह का प्रॉब्लम होता है, मुझे भी हुआ था, बट मुझे बहुत ज़्यादा वाला नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि मतलब थोड़ा बहुत होता था कि मुझे वॉशरूम तक जाना पड़ जाता था, यही लगता था कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। और मतलब जैसे कि मैं दूध बॉयल करती थी किचन में, तो जब दूध बॉयल होता था मुझे उसकी स्मेल बहुत गंदी लगती थी, और जब रोटियां बनाती थी तो रोटी जब सेकते हैं हम लोग, जब सिकती है आँच में रोटी, तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत कर रही थी। सब्जी बनाती है तो प्याज लहसुन की स्मेल, उससे भी मुझे दिक्कत हो रहा था।
तो ये था थोड़ा उससे, मतलब ये नहीं कि मुझे वॉमिट हो जाता था, लेकिन मुझे नोज़िया फील होता था, मैं जाती थी, वॉमिट फील होती थी कि मुझे होगी, लेकिन मैं जाती थी और वापस आ जाती थी। अब सेकेंड ट्रेमेस्टर में मेरी ये दिक्कतें बढ़ी या घटी, जैसे कि कुछ लोगों को होता है ना कि बहुत टाइम तक ये सब दिक्कतें रहती हैं, कुछ लोगों को फर्स्ट ट्रेमेस्टर में ही रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है, तो मेरी ये दिक्कतें बढ़ी थी या घटी थी ये सब आप लोगों को मैं सेकेंड ट्रेमेस्टर का जो ब्लॉग शूट करूँगी उस वो आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल इसकी बात करते हैं। और हाँ, एक दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी फर्स्ट ट्रेमेस्टर में कि मुझे पेट में, मतलब सीने में जलन बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से मैं कुछ मतलब खा ही नहीं पा रही थी। हर टाइम मेरा मन करता था कि मैं ठंडा ठंडा पानी पीऊँ, जूस पीऊँ, जितना भी लिक्विड में जो भी होता है ठंडी चीज़ें मैं उनको लूँ, मैं खाना तो बिल्कुल उसी प्रॉब्लम की, वॉमिटिंग की वजह से या नोज़िया की वजह से, ऐसा नहीं है कि मैं खाना खाने में मुझे दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे ये जो जलन होती थी उसकी वजह से मैं खाना खाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं कुछ भी खाने का मन नहीं करता था और मैं बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि 3 महीने तक मुझे ध्यान है कि मैंने ढंग से खाना खाया ही नहीं है, ना लंच मैंने ढंग से कर पाया है, ना मैंने डिनर कर पाया है, तो मुझे इसकी बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, तो सेकेंड टाइम जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया था गैस वगैरह के, वो मुझे खाली पेट लेना था, वो मैंने 8 से 10 दिन ली है, उसके बाद ये प्रॉब्लम मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था और अभी तक नहीं है, तो उसके बाद मैं खाने पीने लगी थी। और फ्रेंड्स, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने प्रेगनेंसी के 3rd मंथ वैष्णो देवी माता के दर्शन करने गए हुए थे जी। हमारी टिकट पहले से ही हो चुकी थी, अगर हमें मतलब बाद में कराना होता तो हम नहीं कराते, क्योंकि कोई भी प्रेगनेंसी में सब जानते हैं इतना लंबा ट्रेवल ठीक नहीं होता, लेकिन हमारी टिकट जो है वो पहले की हो चुकी थी और जाने का मन भी बहुत था, कैंसिल करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और ये चीज़ आई बीच में। तो मैंने लेकिन अपने डॉक्टर से पूछा, उनसे पूछा, तो उन्होंने यही बोला अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा सेफ रहिएगा, मीन्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ऐसी चेकअप वगैरह हो ही चुका था, ब्लड टेस्ट हुआ या अल्ट्रासाउंड हुआ, वो सब कुछ हो ही चुका था, तो था कि मेरी प्रेगनेंसी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप जा सकते हैं। मैं गई और आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ऊंची चढ़ाई है माता रानी के दरबार की। मैं पैदल ही गई, मैं यहाँ से सोच के गई थी कि मुझे घोड़ा वगैरह करना पड़ेगा, मैं प्रेगनेंसी में कैसे इतना पैदल चलूँगी, मतलब मीन्स सब जल्दी थक जाते हैं, वीकनेस फील होगी मुझे ऐसे में, लेकिन मैं पूरी पैदल चढ़ाई गई थी वहाँ तक, वहाँ से भैरव बाबा भी बिल्कुल पैदल गई, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं प्रेगनेंसी के दिनों में चल रही तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगी हो या मुझे वहाँ पे वॉमिटिंग वगैरह की दिक्कत हुई हो, खाने पीने की दिक्कत हुई, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। नॉर्मल जो सबके हल्के फुल्के पैर दर्द होते हैं वही मुझे हुआ, अच्छे से दर्शन हुए, कोई मुझे दिक्कत नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे जो ये थोड़ा बहुत नोज़िया की दिक्कत हो रही थी वो यहाँ पे हो रही थी, लेकिन वहाँ गए तो मुझे 6-7 दिन का हमारा था ट्रिप वहाँ का, लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ना वॉमिटिंग हुई है, ना मुझे वीकनेस फील हुई है, मैं आराम से चढ़ाई चढ़ के गई हूँ, दर्शन करके आई हूँ माता रानी की। तो वही फ्रेंड्स, माता रानी की कृपा थी और वो बुलाना चाह रही थी ऐसे में मुझे तभी, वरना ऐसे में कोई नहीं जाता है। और मेरे मन में भी आ रहा था कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, माता रानी सब ठीक करेंगे, वैसे ही माता रानी ने सब कुछ ठीक किया, हम गए। तो फ्रेंड्स, मेरे जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर की जो जर्नी रही है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरी बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत भी नहीं हुई और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं थी, थोड़ी बहुत दिक्कतें जो सबको होती वही हुई है। लेकिन हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में मेरा बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया था, दिक्कतें हुई मुझे, क्या हुई कैसे हुई वो मैं जो सेकंड ब्लॉग जो आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं सेकंड ट्रेमेस्टर का, तो आप लोग उसे देखिएगा ज़रूर और तब आपको पता चलेगा क्या हुआ। अच्छा, मैं वीडियो को भी ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरा बेटू मेरे लिए रो रहा है, शायद अब उसको पसंद नहीं आ रहा मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है, बाय बोल दूँ, रोना नहीं, बाय बोल दूँ, ठीक है, बाय बोल देती हूँ। तो होप है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अच्छा, अच्छे से बाय कर दूँ।